अब हम चलेंगे सनुज के पास, गाजीपुर हम चलेंगे और गाजीपुर में वोटिंग का हाल जानेंगे सनुज शर्मा से और उनके जरिए देखेंगे कि वहां पर वोटिंग की तस्वीर है क्या, किस तरह से वोट हो रहा है। सनुज देखिए, मेरे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं मन्नू अंसारी, शोएब अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं और जो पूर्व विधायक सिगबतुल्ला हैं उनके बेटे हैं, अभी वोट डालकर आए हैं। सर अपना निशान दिखा दीजिए वोट का। वोट डालकर अभी अभी आए हैं। मन्नू, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए सबकी नजरें टिकी हुई है गाजीपुर में, यूँ तो 7 विधानसभा सीटें हैं लेकिन मोहम्मदाबाद पर सबकी नजरें टिकी हैं, सबसे हॉट सीट है, खुद तो वोट डाल दिया लेकिन कितना अपने पक्ष में वोट मान लें। जी सही कह रहे हैं आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट सीट है क्योंकि एक यंग लड़ रहा है यहाँ चुनाव, तो एक्सपेक्टेशन भी है लोगों की और लोग जानना भी चाहते हैं, और जिस तरह से मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता हमें समर्थन और आशीर्वाद दे रही है, उसे विश्वास है हमें कि हम लोग आने वाली 10 मार्च को जो मोहम्मदाबाद के लोगों ने भरोसा आशीर्वाद दिया है हमें, 10 मार्च के बाद उन जिम्मेदारियों को 5 साल निभाना है। अच्छा, राजनीति में आपको मिली है, तीसरी पीढ़ी है आप, आपको लगता है जो विरासत आपको मिली है सियासी उसको संभाल पाएंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी? जी, इस पीढ़ी में सबसे बड़े हैं हम, और जिस तरह से लोगों ने जिम्मेदारियां दी हैं हमारे पे, भरोसा जताया है, हम बिल्कुल इसको आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और ऐसा करेंगे कि जो हमारी राजनीतिक विरासत है अपने परिवार की उसका नाम रोशन कर सकें। अच्छा, अभी आपके लिए कहा गया है कि सुबह जीत की आशीर्वाद के लिए आप मंदिर भी जाते हैं, आज मंदिर भी गए हैं? जी जी, हमारे रास्ते में पड़ता है, घर से निकलते हैं, आज नहीं रोज़ जब भी पड़ता है, जो भी मंदिर हमारे रास्ते में पड़ते हैं घर से निकलने में, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरे भाग का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है तो हम तो गए, आशीर्वाद लिए और आए। जो नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है टिकट दे के प्रत्याशी बना के लिए, उनको ये सीट जीत के उनकी झोली में डालना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट है? जी जी जी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, जैसे एक चीज़ कही जाती है बाहुबली परिवार से हैं, तमाम विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं बाहुबली परिवार से हैं, मुख्तार अंसारी परिवार से हैं, अफजाल अंसारी परिवार से, इस तरह की चीज़ें करने लग रहा है उसको कुछ चुनाव पे? हम इस परिवार से हैं, डॉक्टर एम ए अंसारी ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, हमें फ़ख्र है, हम उस विरासत से हैं और हमें उस विरासत को आगे बढ़ाना है। अच्छा, क्या सोचा जाए अगर पब्लिक साइकिल को स्पीड से दौड़ा देती है, लखनऊ पहुंच जाते तो मोहम्मदाबाद के लिए क्या समझे? देखिए, हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो विधानसभा मोहम्मदाबाद है उसको पूर्वांचल में विकास के नंबर पर 1 नंबर पर ले जाना है। अच्छा, अब जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को आगे ले जाना है, जो भी हमारे नेता हमें आदेश करेंगे वो काम करना है। अच्छा, सामने बीजेपी से प्रत्याशी अलका राय हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, और सीधा आप कड़ा मुकाबला मान रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं? लड़ाई मेरी विकास से है, जो यहाँ विकास रोक दिया गया हमारे नेता ने बिना मांगे, देश का सबसे बड़ा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मोहम्मदाबाद और गाजीपुर की जनता को दिया था, दूध की डेयरी थी, किसान मंडी थी, बस अड्डा था, तीनों चीज़ें छीन ली गई। हमारी लड़ाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से है, ये हम लोग के हाथ में कलम आते ही ये सारी चीज़ें सही करना है। अच्छा, जिस तरीके से आपके परिवार का दबदबा रहा यहाँ पर, चाहे विधायक की बात हो चाहे सांसद की बात हो, अफजाल अंसारी जी हैं वो इस समय यहाँ पर सांसद हैं, आपके परिवार में लंबा दबदबा रहा है लेकिन जिस तरीके से विकास यहाँ होना चाहिए था उतना नज़र नहीं आता, तो दिक्कतें कहाँ रह गई? देखिए, जो आज चल रहे हैं जो सड़कें हैं या जो भी, वो हमारी बनाई हुई है। मोहम्मदाबाद विधानसभा में 3 मुख्य पुल हैं, कठवा मोड़ पुल, औथई पुल और बसनिया पुल, 5 साल बीत गए, एक भी ये पुल नहीं चालू हो पाया, लोग साइड से होके जाना पड़ रहा है। क्या विकास है? जो भी हम लोग बना के गए थे उसी पे, एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, ट्रॉमा सेंटर हमने दिया था वहाँ कोविड का टीका लगता है, एक नई रोड नहीं बनी, जहाँ तक हम रोड बना के गए थे उसी को ये लोग रिपेयर बस कराए हैं, कोई भी नई रोड है, हमें सारी चीज़ें करानी है यहाँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, अचानक से जब चर्चा चल रही थी जो सिबतुल्ला आपके वाली साहब हैं उनका टिकट होगा, लेकिन अचानक से आप सामने आ जाते हैं एक युवा चेहरे के तौर पर, तो आपको लगता है कि हाँ ये वाकई चौंकाने वाला एक रणनीति का हिस्सा? देखिए, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और परिवार के बड़े लोगों का फैसला है, और हमारे दिल में ललक थी लड़ने की चुनाव, पर उन लोगों ने इस बार मुझे प्रत्याशी बनाया है और हम ये बताते हैं ये सीट जीत के अपने नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी को देंगे ताकि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जैसे आजकल राजनीति की बात चलती है, लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में जाना, मुझे ये करना, इतना बड़ा करना है, आप चूंकि तीसरी पीढ़ी हैं, आपने राजनीति को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमने बता दिया कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की क्योंकि तीसरी पीढ़ी है और परिवार के हम सबसे बड़े हैं इस जनरेशन में, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस विरासत को, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और पार्टी जो काम देगी उस काम को करना है। ठीक है सनुज, आपने बहुत विस्तार से बात कर ली, बहुत विस्तार से आपने समाजवादी पार्टी के इस युवा कैंडिडेट के से बात की आपने।